मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का हमारे इस जीवित परमेश्वर यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर अपने लिए विश्वास की प्रार्थना के साथ अंगीकार करें। प्रभु हर वक्त अपने छत्र छाया में आपको सुरक्षित कर लेगा और आपके ऊपर आने वाली हर एक संकटों से, हर एक भूत प्रेत, हर एक जादू टोने की शक्तियों, हर एक विषैले जीव जंतुओं से, हर एक बीमारियों से अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित बचा के रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोग इन प्रार्थनाओं को रोज सोने से पहले करते हैं तो प्रभु आपको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखेगा और आपको हर एक संकटों से बचा के रखेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहूंगा, मैं सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाऊंगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पंखों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और कवच ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे निकट हजार और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरी शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें। वे मुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। मैंने जो उससे स्नेह किया है, इसलिए वह मुझे छुड़ाएगा, वह मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब मैं उसको पुकारूंगा तब वह मेरी सुनेगा, संकट में वह मेरे संग रहेगा, वह मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा, वह मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन।